हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं देहरादून में कृषिव की नानी के घर आए हैं। हम कृषिव की नानी के घर पे। कृषिव कहाँ पर हो आप? नानी के घर पे। सो हमें कृषिव की नानी के घर पे, और आज हमारा फास्ट है। आज है सकट, तो हमने आज फास्ट रखा है, मम्मा ने और मैंने फास्ट रखा है आज घर पे। और किसी का फास्ट नहीं है, मम्मी का और मेरा फास्ट है। तो ये गणेश जी के लिए रखा जाता है। तो आज हमारे घर पे बनेंगे आटे के लड्डू तिल डाल के, और गुड़ के लड्डू तिल डाल के, और मावे के लड्डू तिल डाल के, और शाम को बनेगा खाना प्रॉपर पूजा करने के लिए। अभी हमारे घर पे उसी की तैयारी चल रही है, मम्मा उसी की तैयारी कर रही है लड्डू बनाने की। सो मैं आपको सब दिखाऊंगी कि वो लड्डू कैसे बनाएंगी मम्मी, आटे के, गुड़ के और मावे के लड्डू ये कैसे बनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको पूरा दिखाऊंगी मैं किस तरह से हमारे यहाँ पे लड्डू बनेंगे और शाम को पूजा होगी। ओके फैमिली, आज आप क्या खाओगे खाने में? आज तो मम्मा का फास्ट है ना, मम्मा कुछ नहीं खाएगी। तो बाबू क्या खाएगा? मासी को क्या दोगे खाने में? इधर तो देखो, आप देखो, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं हाय हाय, तो बोलो हेलो फ्रेंड्स। मासी को क्या दो? सो गाइस, मम्मी ने यहाँ पे पानी रख दिया है, और इसमें गुड़ डाल रही हैं पाक बनाने के लिए आटे के लड्डू। सो यहाँ पे गुड़ मम्मी ऐसे फोड़ रही हैं और इसमें डाल रहे हैं। इसका शरबत बनेगा। और मम्मी कितने गुड़ डाल रही हो? एक किलो गुड़। इसमें 1 किलो गुड़ डाल चुका है। ये शरबत आटे के लड्डू के लिए बन रहा है, इसको बनने में टाइम लगता है थोड़ा। सो फ्रेंड्स, हमारा शरबत इस तरह से कुछ हो चुका है। ये सारा गुड़ थोड़ा देर में और पिघल जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये चाशनी बन के रेडी है, और हमने आटा भी भून लिया है अपने लिए। ये इसके लड्डू बनेंगे। बड़ी रात में करके रख दिया है। अब इसमें ये तिल डल गए हैं। हमने इसमें थोड़ा चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स किया है भून के, और इसमें थोड़ा तिल डाल दिए हैं भून के। अब ये इसमें थोड़ा गोला डाल दिया है हमने पीस के। अब इसे मिक्स किया जा रहा है। सो मम्मी इसमें अब आटे को मिक्स कर लिया है, इसमें सब चीज़ें मिला दी हैं। अब इसमें चाशनी डलेगी, और फिर उसके बाद इसको मिक्स करके लड्डू बनाए जाएंगे। इसमें चाशनी मिलाई जा रही है गरम गरम थोड़ा। ये देखिए गाइस, इससे थोड़ा गरम हो रहा था इसलिए इससे मिला रही हूँ मम्मा, ताकि गरम ना लगे हाथों पे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तो हमारे अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोल गोल लड्डू बनके तैयार हैं। इस तरह सा कुछ ही लड्डू बनेंगे। इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके चाशनी मिलाई जाती है, सारे में एक साथ नहीं मिलाते हैं, ताकि ये फिर बनते नहीं है ठीक से। इसलिए मम्मा थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाशनी मिला रही है। फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे, फिर जो बचा है फिर उसके लास्ट में उसके बन जाएंगे। सो गाइस, हमारा लास्ट हो जाएगा। अब हम इसे पूरा डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। कुछ लड्डू बचे हैं बनाने से। सो गाइस, देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, और ये हमारे लड्डू बने हैं। जितना आटा आपने दिखाया था हमने आपको, उसमें ये लड्डू बने हैं, और ये लड्डू बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे मावा भूनने के लिए तैयार है। अब मम्मी यहाँ पे मावा भूनेंगी। यहाँ पे मावा भून रहा है अभी। मावा भून के रेडी है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं, दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे।
जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके लड्डू बनेंगे। बनाने वाले हैं मावे के लड्डू। सो हमने यहाँ पे इतना बोरा ले लिया है और ये इतना हमने मावा है हमारा, और हमने ये तिल ले लिए हैं भुने हुए। अब इसमें मिक्स करेंगे हम सारा, फिर हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। डाल दिया है, अब इसमें तिल डालेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें मावा डाल दिया, अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे हम बूरे के साथ, क्योंकि मावा बहुत हार्ड हो चुका है तो पहले हमें ये बूरा इसके अंदर मिक्स करना होगा। इसमें बूरा मिल चुका है अच्छे से, और मैं अभी ये भुने हुए तिल हैं जो इसमें डाल रही हूँ। मेरे भुने हुए तिल इसमें डल चुके हैं, मैं सारा इसमें मिक्स करूँगी इसको अच्छे से, ताकि सारा मेरा ये मिल चुका है इसके अंदर। और मैं इसमें छोटे छोटे इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ गोल गोल। छोटे छोटे बनाने हैं, मम्मा ने कहा है। देखिए मेरे गोल गोल लड्डू, मावे के लड्डू बन चुके हैं। कुछ मावे के लड्डू बने हैं मेरे, लेकिन कुछ थोड़ा साइज में बड़े हैं, कुछ छोटे बने हैं। मेरे से जिस तरह से बने मैंने बना दिए, और अभी मम्मा गुड़ के लड्डू इस तरह से बना दिए। कुछ मम्मा ने इस तरह से इसको पीस लिया है सारा, पहले यहाँ से सारा क्लीन किया था हमने, फिर उसके बाद गुड़ फोड़ा है, इसको पीस लिया मम्मी ने इस तरह से बेलन से, उसको सारा पीस लिया। तेल भी डाल दिए इसी के साथ, और इसी को पीस लिया, फिर से स्टार्ट कर दिया ताकि इसमें सारा मिक्स हो जाए। तो मम्मी इसको मिक्स कर रही हैं, सारा गुड़ के साथ मिक्स हो चुका है, अब इसके लड्डू बनेंगे, है ना। सो लड्डू इस तरह से बन रहे हैं कुछ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सारे लड्डू बनाए जाएंगे। सो ये लड्डू बन रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे ये गुड़ के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। हमने इसके गुड़ के लड्डू ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये कोई खाता नहीं है, इसलिए सिर्फ पूजा के लिए बनते हैं, और एक आध थोड़ा ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ तीन तरह के लड्डू बनेंगे, आटे के, मावे के और गुड़ के, वो बन चुके हैं। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये तीनों तरह के लड्डू हैं, गुड़, मावे के और आटे के लड्डू। सो हमारे यहाँ पे इसकी पूजा होगी पहले, फिर हम इसको रात को व्रत खोल के तब खाएंगे, और उसके पहले हम पहले खाना भी बनाएंगे, खाना बनाने पर हमारी पूजा होगी। तो पहले हमारे यहाँ पूड़े बनेंगे, पूड़े में पूड़े बन के हमारे यहाँ पे पूजा होगी खाने के साथ, जो मम्मी ने पूड़े का भी पेश बना के रख लिया है यहाँ पे, पूड़ों का। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पूड़े बोलते हैं, जो आटे को घोल बना के तेल में तले जाते हैं उसको पूड़ा बोलते हैं। मैंने पूड़े बनाने के लिए भी कढ़ाई रख दी है अपनी, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, पूड़े का पेस्ट ये है। अभी इसको मैं हाथ से थोड़ा ठीक करूँगी, फिर उसके बाद इसको पूड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। आटे को थोड़ा सा इस तरह से फेंट लिया जाता है ताकि इसका पूड़ी अच्छे से स्मूथली सॉफ्ट आए। मेरा ये बनके तैयार हो गया अच्छे से, मैंने इसको फेंट लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी में हाथ टच करूँगी अपना, और पूड़ा बनाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा इस तरह से बनेंगे। सो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ हो चुके हैं। मैं इसको पलट दिया है मैंने ये सारा, अब थोड़ा ये अच्छे से हो जाएंगे तो मैं उसके बाद इसको निकाल लूँगी। हमारे यहाँ पे इसको पूड़े बोलते हैं फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे इसको किस नाम से बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बन चुके हैं और मैं इसको भी निकाल रही हूँ, ये कुछ इस तरह से बने हैं, इसको ऑयल से निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे कुछ इस तरह से बने हैं, ऐसे में बाकी सारे पूरे बनाऊंगी। सो गाइस, मेरे ये वाले पूरे भी रेडी हो चुके हैं, और मैं इसको निकाल देती हूँ, और मेरे सारे पूरे बन चुका है। फ्रेंड्स, हमारी पूजा के लिए पूरी भी बनना स्टार्ट हो गया है, अभी हम ज़्यादा पूरी नहीं केवल पूजा करने के लिए बनाएंगे।
देख कितनी अच्छी अच्छी गोल गोल पूरी बना रही है मम्मी, एकदम फूली फूली सी। सो फ्रेंड्स, अब हम तारा निकलने का वेट कर रहे हैं। अब तारा निकलेगा तो हम पूजा करेंगे, तारे को देख के हमारे यहाँ पे पूजा होती है, तो बस अब तारे का वेट करना रह गया है। उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे, जो जो बना है सब खाएंगे। ये देखिए हमारे कान्हा जी भी वेट कर रहे हैं खाने का, इनको भी भोग लगाएंगे पहले हम, फिर तो उसके बाद हम खाएंगे। हमारे शिव जी या हमारी, अब हम पहले खाना बना के तारे को देख के पूजा करके फिर अपने कान्हा को भोग लगा के फिर हम खाएंगे लास्ट में। अग्नि भी रेडी हो रही है पूजा के लिए। अब तारा निकल चुका है और मम्मी और मैं पूजा करेंगे। बस अग्नि हो जाए रेडी, फिर हम पूजा। सो इस तरह से कुछ पूजा कर रही है, मम्मी भी तैयारी कर चुकी हैं, बस अग्नि का वेट कर रही है। अग्नि हो जाएगी तो फिर पूजा करेंगी। मम्मी यहाँ पे जय माता रानी, जय माता रानी, आ चुकी है। जो भी लड्डू बनाए थे सारे लड्डू इन पे चढ़ाएंगे हम अग्नि पे। हमारी पूजा हो चुकी है अंदर की तो, और अब हम बाहर तारे को देख के पूजा करने जाएंगे। सब हम तारा देखने के लिए जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे, तारा देख के हम पूजा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा तारा दिख रहा है, अब इसकी हम पूजा करेंगे। मम्मी भी सारा सामान लेके आ गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सारा हो रहा है। सो हमारी पूजा हो चुकी है फ्रेंड्स, अब बस हम लोग कान्हा जी को भोग लगाकर और फिर खाना खाएंगे। फ्रेंड्स मेरे कान्हा जी का खाना रेडी हो गया, बस उनको भोग लगाएंगे हम और फिर हम अपना खाना खाएंगे। कान्हा जी के लिए पानी है और ये कान्हा जी का खाना, अब मैं उनको भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे कान्हा जी खाना खा रहे हैं और बस अब हम लोग भी खाना खाएंगे। भोग लग गया है, कान्हा जी ने अपना अनग्रहण कर लिया है और हम भी अब खाना खाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स बताइएगा। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय राधा कृष्णा की, हरे राम।